छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। सही या गलत का फैसला कौन करेगा? मेरा सही शायद दुनिया के लिए गलत हो, मगर मेरे लिए नहीं। वास्तव में जिंदगी हमसे कुर्बानी मांगती है। इस घर से आज डोली उठेगी, चाहे तुम्हारी शादी की हो या मेरे जनाजे की। बोलो ये झूठ, बोलो। इज्जत की कुर्बानी, भरोसे की कुर्बानी, रिश्तों की कुर्बानी। फाइट में तो 30 सेकंड नहीं टिकने वाला। क्या कह रहा? बाकी सब एंडिंग पर वेट कर रही है तेरा यार। हेल्प कर यार। हाँ हाँ। छोड़ दे, छोड़ दे। कुछ होता नहीं है। सही है, सही है। अम्मी, अम्मी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। क्यों तमाशा बनाना चाहती है मेरा आप? यही तो मैं चाहती हूँ कि हमारा तमाशा ना बने, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी पसंद की मंगनी की थी ना, तो क्या बना? 4 साल के बाद उसने एक फोन कॉल पे मंगनी तोड़ दी। वो तमाशा नहीं था, क्या था वो? जो होना था वो हो गया। बुरी किस्मत थी मेरी। तो क्या करें, 4 साल बैठकर तुम्हारी किस्मत का मातम करें? बस मैं फैसला कर चुकी, तुम्हारा रिश्ता लेकर जा रही हूँ। ऐसी क्या आफत आ गई है कि आप घर घर जाके मेरे रिश्ते की भीख मांगती है? जिस घर में एक बेवा औरत अपनी 2 जवान बेटियों के साथ रहती हो, बदनामी उस घर के दरवाजे से कान लगाकर खड़ी होती, तो बेहतर है कि बर्तन के शोर में इंसानों की आवाज दब जाए, समझी? फिर इसे भी मेरा खामोश एहतजाज समझिएगा। जाता तो
पाकीज़ा पाकीज़ा ये लग जाता तो भाई 260 रुपए शुक्र करो पैरों पे मार रही हूँ मुझे इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगी अभी मैं तुम पूरे 4 घंटे लेट हो नहीं जल्दी जल्दी भाई चेक के 600 रुपए अभी किसी बादशाह का जगह क्या 300 रुपए मेरी बात सुनो मिल जाएगा अबे बाहर कैसे देखो बस अब टेबल पे कुछ भी नहीं है एक मिनट मेरी बात सुनो पाकीज़ा अब भी बताती तुम्हें पाकीज़ा नहीं 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 पाकीज़ा एक बार मेरी पाकीज़ा पाकीज़ा मेरी बात सुनो देखो स्टॉप इट ओके पता है खतीजा उन्होंने किंजा की तस्वीर देखते ही उसे पसंद कर लिया था और मैंने भी ना बातों बातों में उनका जहन बना दिया है तुम फिक्र नहीं करो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा इंशाल्लाह अच्छा ही बताओ तुमने किंजा की मर्जी तो मालूम कर ली बता दिया था उसे और यही बेहतर है क्योंकि फैसला तो मेरा ही है खतीजा तुम भी देखो मैं लड़की की माँ होकर लड़के वालों की तरफ खुद रिश्ता लेके जा रही हूँ मुझ पर जो दबाव है तुम बेहतर समझ सकती हो तुम्हें मिलता क्या है अपना मजाक बनवा कर जब उसका दिल चाहता है 10 लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती कर देती है तुम्हारे पूरे जुमले में बस एक बात काम की है जब उसका दिल चाहता है मैं चाहता हूँ जो उसका दिल चाहता है वो क्या करे लो भाई एक बात तो साबित हो गई कि मजनू को लैला से नहीं बल्कि उसके पत्थर से इश्क था जब तक पढ़ ना ना जाए शराब ओके और तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अरे तुम्हें दिखता क्या है उसमें अजीब सी कोई बेढंगे से कपड़े पहने वाली लड़की तो है वो मतलब सलवार कमीज के नीचे जॉगर्स कौन पहनता है यार लिटरली जॉगर्स और अजीब तरीके से यूं गले में दुपट्टा ओढ़ती है मतलब नो क्लास जीरो फैशन सेंस मतलब थोड़ी सी क्लास तो इंसान के पास होनी चाहिए ना प्यारी लग सकती है वो सेंस होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है लुक एट यू यार आई मीन सीरियसली यार मतलब पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं और यही फर्क है बाकी लड़कियों में और पाकिस्तान दिल चाहता है वो बार बार मुझको गुस्सा कर जरा भर भी मिलावट नहीं है उसमें जैसी है वैसी है और इसीलिए मेरी लेकिन तुम लोग ये बात कहां समझोगे तुम लोग तो पीने का पानी भी ब्रांड देखकर खरीदते हो फिर चाहे उसमें मिलावट क्यों ना हो सही कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं गुड 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 लगा रहे मुझे मुझे ये बता कि बात कहीं लगी मानी या नहीं मानी या फिर अपनी तोड़ फोड़ की गुंजाइश नहीं मनाने की कोशिश जारी है थोड़ा वक्त लगेगा और वक्त टाइम देख यार क्लास के लिए लेट हो रहे हैं बाद में मिलते हैं चल चल लेकिन वो हो गया मैडम यहाँ आपको भी यही करना होगा नाक पर गुस्सा सलवार कमीज गले में दुपट्टा और जॉगर्स आर यू सीरियस पता तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं खराब हो गया यू रियली थिंक मैं पाकीज़ा की तरह क्लासलेस कपड़े पहनूंगी इस तरह तो फिर ये काबू नहीं आएगा एज अ ब्रश मैं तो खुद आना चाह रही थी मगर क्या करूँ ये माजूरी आड़े आ जाती है देखिए मैं आपके यहाँ आऊँ या आप मेरे घर आए मकसद तो मिलना था ना वो पूरा हो गया बिल्कुल बल्कि हमें इस मुलाकात से भरपूर फायदा उठाना चाहिए घर आपके सामने है देखिए हसन एक नहायत सुलझा हुआ लड़का है और साबरा से आपके और किंजा के बारे में जो मालूम करना था कर लिया मेरे ख्याल से अब वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए मुझे कोई एतराज नहीं है
अच्छा है हम इस मुलाकात को दोनों घरों की खुशियों से जोड़ देते हैं। क्या कह रहे अंकल पाकीज़ा? ये तो देखनी पड़ेगी यार। अरे वाह क्या डायलॉग है, इससे कहते हैं रोमांस। रोमांस मुझे आज ही मना लेना चाहिए था पाकीज़ा को। बाकी ट्राई करते हैं। इस बात पे तो पाकीज़ा मान जाएगी। टेक्नो पहले फोन तो उठाए। ले भाई कल स्पेशल करना पड़ेगा। जरूरत है सबके सामने तमाशा बनाने की? कैंटीन में तो बहुत प्राइवेसी थी ना। शुक्र करो कि तुम कैंटीन में थे, कॉरिडोर में नहीं थे, नहीं तो कमला उठा के ना तुम्हारे सर पे मार देती। गुस्से में वैसे भी किसी को प्राइवेसी का ख्याल नहीं रहता। पिछले चार साल से रोज यूनिवर्सिटी में ऐसा लगता है कि आज पहला दिन है और मैं तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। और पिछले चार साल से मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप रोज टाइम पर आते, लेकिन आप तो कभी आएंगे नहीं टाइम पे। तो तुम रात को ख्वाब में मत आया करो ना। सीरियसली तुमसे बातें करते वक्त का पता ही नहीं चलता मुझे। अच्छा रुको 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 ये वाला कि ये वाला क्यों सर पे नहीं मार रहा? पागल हो गए, इधर आओ, सुधर जाओ। अरे नहीं यार, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो और दुनिया में तुमसे बढ़कर कुछ है नहीं जो मुझे सुधर कर पाने की ख्वाहिश हो। बात तो सुनो। अच्छा सुनो, मुझे बहुत भूख लगती है। हाँ तो चलो ना, चल के कुछ खाते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं आप ही के ऑफिस जा रही हूँ, वहीं खा लूंगी। तुम भी कुछ खा लेना, सही है, कल मिलते हैं। सुनो मैं छोड़ देता हूँ ना, सुनो।
जनाब आपने पूरे आधे घंटे बाद पहुंचाया मुझे, रिक्शा वाला 10 मिनट पहुंचा। तुम्हें टाइम का पता चल गया? लाइक अरे रिक्शा वाला तुमसे प्यार नहीं करता इसलिए जल्दी पहुंचाता है। देख लिया करो कौन बैठा है। अच्छा चलिए जाओ, बाय बाय बाय। सुनो बाय बाय। अम्मी की बात पे इतना अफसरदा होने की जरूरत नहीं है किंजा, वो तुम्हारी माँ है। ठीक ही तो कहती हैं यार, वो जो चाहती हैं मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन ये जो बार बार माजी की याद दिलाती है ना मुझे बहुत तकलीफ होती है। माजी को अगर भूलना है तो फिर एक ही तरीका है, एक नई शुरुआत, और अम्मी भी यही चाहती हैं। बस शादी हर चीज का सलूशन है, ये भी कोई बात हुई, चमची ना बनो अम्मी की। अरे वाह, दो खूबसूरत औरतें मिलके क्या बातें कर रही हैं? जरूर कोई गॉसिप्स कर रही होंगी। और मैं बताऊं क्या गॉसिप्स हो रही है? अम्मी के बारे में। वैसे ना आपी, अम्मी के बारे में बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अम्मी तो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल ही नहीं है। पता है जैसे होती है ना वंडर वुमन, मैंने अम्मी का नाम रख दिया सडन वुमन। वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है, सही बता रही हूँ आपको। पता है रोजाना तो कॉलेज जाने से पहले ना मैं ये सोच के निकलती हूँ कि आज तो आप ही की रुखसती हो जाएगी, आज तो आप ही घर पे होंगी नहीं। लेकिन देख लें जितनी अम्मी ढीठ है उससे कहीं ज्यादा हमारी आप ही ढीठ है। सुनो एक चीज होती है सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक है, ठीक ठाक। और एक चीज होती है भूख। पूछने तो इंसान झूठे मुंह ही पूछ लेता है कि मेहमान ने कुछ खाया कि नहीं खाया। ये ना खाओ, ये मेरा डाइटिंग का खाना। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप ही जितनी भी डाइट करो ना दूल्हा नहीं मिलेगा। तुम ये खाओ, ज्यादा बातें मत करो। ये लो। थैंक यू। वाव, ये कहाँ से है? लेकिन जो बात इसमें अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, इसमें पास की है। ये पिक्चर्स पे क्लिक किया, देखा सारी तस्वीरें आ गई आपकी। अब जौन सी पिक्चर आपने अपलोड, मेरा मतलब है फेसबुक पे लगानी है, उसको सिलेक्ट करें ऐसे, अभी बटन दबाएं अपलोड। ये अब जा रही तस्वीर, ये लग गए फेसबुक पे, देखा? अरे भाई आधे घंटे से आप यही सिखा रहे हो मुझे। आधा घंटा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जरूरी होती है प्रैक्टिस, मेक्स अ मैन परफेक्ट। सुना नहीं? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक पिक्चर आप खुद अपलोड करें, करें हम सर। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस जा ही रहा था कि भाई ने कहा कि फेसबुक पे पिक्चर्स अपलोड करना सिखा दो, इतने प्यार से कहा, मुझसे इनकार नहीं किया गया। नंबर किधर तो छोड़ूंगा। रिक्शा क्यों? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। नहीं तुम्हें पता है तुम मुझे नहीं छोड़ सकते यार, क्या हो जाएगा? हम सब बहस करने का फायदा नहीं है, तुम जानते हो। अच्छा तुम्हें ड्रॉप करने के लिए नहीं रुका था, देखने के लिए रुका था, दिल नहीं भरा। कामिनी फिल बुकिंग नंबर के मैं जा रही हूं, बाय। रुको 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 रुको, प्लीज 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 प्लीज। क्या हुआ? हां ठीक है हमजा। अरे एक बार मुड़ के, एक बार प्लीज, एक बार थैंक यू। और भी बहुत कुछ है, नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा। देख के ऐसे ऐसी चीज अपलोड ना करना। रिश्ते मुकम्मल भरोसे के साथ निभाए जाते हैं, इतना या उतने की गुंजाइश नहीं होती। सिंपल जवाब चाहिए यार, हाँ या ना, हाँ या ना। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। अम्मी की तबीयत वबीयत तो ठीक है? क्या हुआ? सुबह एक घंटा मैं कॉलेज से लेट हुई हूँ, उन्होंने मुझे डांटा ही नहीं, सुबह से कुछ बोला ही नहीं। क्या बोलती है, डॉक्टर वॉक्टर के पास ले चले? बेवकूफ, जाके खाना लगाओ, बातें नहीं करो। सही बोल रही हो यार, ये लो लेके जाओ।
हसन और उसकी माँ आ रहे हैं हफ्ते वाले दिन रसम करने, तैयार है ना? क्या अम्मी इस हफ्ते? अभी तो आप ही मिली भी नहीं है उनसे। मैं मिलके आ गई अम्मी। लेकिन खाना ठंडा हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ? क्यों इतने हैरान क्यों हो रहे हो? क्या दुपट्टा ओढ़ने का हक तुम्हारी उस पाकीज़ा को ही है? कार्टून लग रही हो। लगनी भी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी पाकीज़ा जितनी फेक नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो उसके जितनी अच्छी एक्टर हो ही नहीं सकती। पूरे शहर में दुपट्टा ओढ़कर घूमना और फिर पूरे शहर में बाइक पर घूमना, डबल स्टैंडर्ड। यूनिवर्सिटी में उसकी बेस्ट फ्रेंड बनना और पीठ पीछे इस तरह बुराई करना, ये होते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। बुराई करना और रियलिटी चेक देने में बहुत फर्क होता है, तुम नहीं समझो। मुझे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। देखो मेरे नजदीक सिर्फ एक रियलिटी और वो है मेरा और पाकीज़ा का रिश्ता। इसके आए बाएं कुछ भी है, मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। आई थिंक काफी हो गया, कुछ खाने चले? नहीं, पहले अपनी पाकीज़ा से पूछ लो कि बुरा ना मान जाए ना। एक चीज होती है ट्रस्ट, वो हम दोनों में बहुत है। मैं चेंज करके आता हूँ। एक चीज होती है ट्रस्ट, वो हम दोनों में बहुत है। क्या कह रही हो? अब कुछ नहीं, जल्दी आओ। अभी ये पिक्चर देखकर आई हूँ, इतने अच्छे तो लग रहे हैं। हो सकता है जितने अच्छे शक्ल में नेचर वाइज भी उतने ही अच्छे हो। मुझे अम्मी की पसंद पे कोई एतराज नहीं है पाकीज़ा। तो फिर इतनी सैड क्यों है? मैं बस वो सोच रही थी कि मैं तो चली जाऊंगी, फिर डेढ़ दो साल बाद तुम भी चली जाओगी, फिर अम्मी का क्या होगा? वो तो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। यार सैड होना तो मेरा बनता है। अब आप चली जाएंगी तो मैं सारी बातें शेयर किससे करूंगी, सोचें। अच्छा अभी करती हो मुझसे सब शेयर? ऑफ कोर्स शेयर करती हूँ, ये क्या बात हुई? फिर वो बाइक पे हैंडसम लड़का कौन था? कौन? बाइक वाला हैंडसम लड़का कौन था? पता नहीं, तुम किसकी बात कर रही हो? बाइक पे तो इतने लोग जाते हैं रोड में, मुझे क्या पता कि कौन होगा। एक तो सुबह इतनी जल्दी जाना है यूनिवर्सिटी, तो पहला मुझे भीड़ इच्छा नहीं लग रहा, नींद आ रही है, सो जाएं आप ही। बड़ी चला। ये यूनिवर्सिटी वीरान क्यों है, स्ट्राइक है क्या? यूनिवर्सिटी खुलने से एक घंटे पहले ऐसा ही होता है। एक घंटा? यार एक
दूध पत्ती मिलेगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। ये जरा वहां रख दे, तो बाइक साइड पे खड़ी करता हूँ। आपे चाहे आप ही नाश्ता दे दो। ला रही हूँ ला रही हूँ, कभी खुद भी हिल लिया करो, सुबह सुबह शोर मचाना शुरू कर देती हो। पहले तैयार हो जाती फिर नाश्ता कर लेती। पापे कहाँ हैं? ये लो 10,000 रुपए हैं, अपने और पाकिजा के लिए शॉपिंग कर लेना आज। ठीक है, तो मैं यूनिवर्सिटी से वापस आके आपको फोन कर लूंगी। छुट्टी कर लो आज। बहुत मजे की दूध पत्ती है, शुक्रिया। अब देखना सुबह सुबह कैसी डांट पड़ेगी मुझे। सो जाओ दोबारा सो जाओ। मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया कि आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगी। क्या, क्यों? क्योंकि शॉपिंग में जाना है आपके साथ, अब तुम भी बड़े काम होते हैं मुझे। बाय। पाकिजा सुनो, मैं ऐसा यार, चाचा जिंदगी में कभी किसी से प्यार मत कीजिएगा। रोज मेरी वजह से कैंटीन में बोतलें टूटती हैं लेट आने पर, और आज मैं वक्त पर हूं, बल्कि एक घंटा पहले आया हूं। आप गवाह है ना, और वो छुट्टी पर है। कमाल है यार। चीनी ठीक है चाय में? हाय पाकिजा रुकना, ते अच्छे कपड़े यहाँ चलते हैं। आप ही? ये लोग तो चोर हैं, डकैत थे। आपको पता है कल के अखबार में भी आया था, ये लोग लोगों को लूट रहे थे। आए, मैं दूसरी शॉप दिखा। अच्छा सुनो ना, दो मिनट, मैं अभी आई। यार मैं नहीं आ रही। फाइनली सुबह से सातवां मॉल है ये। पागल पागल हो गए हो? देखो देखो, पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मैं अपने दिल को मुश्किल से यकीन दिलाता हूँ कि तुमसे मुलाकात होगी, और वो सिर्फ संडे होता है, बस उसके अलावा कोई दिन नहीं। बस हो गई ना मुलाकात, चलो जाओ। इसे कैसे इतनी मुश्किल से ढूंढा है तुमने यार, तो बात तो करने दो। देखने दो, देखो सात मॉल्स के बाद, चक्करों के बाद। एक्सक्यूज मी, ऐसे बच्चों को अकेले थोड़ी छोड़ देते हैं। राइड ले गिर गई तो अभी पहले भी रो रही थी। प्लीज उसको अकेला मत छोड़े, ख्याल रखा करें बच्चों का, इस तरह अकेला मत छोड़े प्लीज। उससे बड़ी हूँ मैं और सब समझते हूँ जी। पाकिजा फूड कोर्ट जा रही हूँ मैं, तुम आ जाना जी। क्या कह रही थी? कह रही थी अपने बच्चे को संभालें, कहीं शेर पे बैठे बैठे जंगल ही ना पहुंच जाए। सॉरी, सब सही है? हाँ। चाय वाय बनानी आपके लिए, सर्वर में दर्द हो रहा होगा। कोई बात बात नहीं करनी, आप ही बोर हो रही होगी ना तुम, मुझे पता है, तो कुछ डिस्कस करना तो। जानती हूँ तुम क्या जानना चाह रही हो। जानबूझ के कितनी देर लगा रही है ना।
बताओ ना अभी कैसा लगा हमसा? जन्नती लड़का है जो तुम्हें बर्दाश्त कर। अच्छा कोई जन्नती वन्नती नहीं है, एक नंबर का फंटर है, जानती हूँ अच्छी तरह से उसे। बताए ना हमसे कैसा लगा? अम्मी वो मैं आप ही से कहता। अम्मी क्या कर रही हैं आप? चुप। खबरदार जो एक लफ्ज भी अपने मुंह से इसकी हिमायत में निकाला। मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी इसलिए भेजा था, समझाया था कि अपनी बहन के नक्शे कदम पर मत चलना, बस। तो बहुत बुरा हुआ, मैं जाकर भी यकीन नहीं कर पा रही। सीरियसली आई कांट बिलीव दिस। ये जो डिजिटल किस्म का इश्क होता है ना, इसका अंजाम इसी तरह बर्बाद ही हो। हेलो कहाँ गुम हो? अब प्लीज ये माह वाले केस को दिल पे मत ले लेना। क्यों, माह को क्या हुआ है? मैडम यहाँ होकर भैया मौजूद ही नहीं है, माह ने सुसाइड कर लिया। कैसे? क्या बकवास है? वैसे मुझे कभी नहीं लगा कि माँ इतनी बेवकूफ हो सकती है। एक मिनट, तुम लोग सब माँ को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? गलती उसके बॉयफ्रेंड की है जिसने उसके भरोसे का मान नहीं रखा। भरोसा? हमजा महा को तो उस पर इतना भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। क्या बात हुई पाकीज़ा, रिश्ते मुकम्मल भरोसे के साथ निभाए जाते हैं, इतना या उतने की गुंजाइश नहीं होती। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने गलत इंसान पे भरोसा किया। अगर तुम महा की जगह होती तो क्या करती? तू बात को कहां से कहां ले जा रहे हमजा? यार मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि एक रिश्ता जिसमें अपना सब कुछ एक दूसरे को सौंप रहे होते हैं उसमें कितना भरोसा किया जा सकता है? प्लीज सिंपल जवाब चाहिए यार, हाँ या ना। अगर हमारे दरमियान ऐसा कुछ हो तो मुझ पे भरोसा करोगी, हाँ या ना? हमसे इस बात का हमसे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है क्योंकि मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे पे मुकम्मल भरोसा करते हैं, हाँ या ना? नहीं, अगर तुम मुझसे अपने भरोसे का इम्तिहान इस तरह लेना चाहते हो तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है हमसे। इस बेतबार रिश्ते का क्या हासिल? सोचो। हमजा मेरी बात तो सुनो। ये ना समझना कि मैंने तुम्हें बहुत समझकर कंधों से उतार फेंका है। हसन का इंतखाब मैंने बहुत सोच समझ के किया है, माँ होने के नाते हर बात का ख्याल रखा है। मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जानती हूँ, और ये भी पता है कि मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। जाके भी वो वक्त मैं लौटा तो नहीं सकती, लेकिन एक वादा आपसे करती हूँ मैं कि आज के बाद मेरी वजह से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी।
लेकिन एक गुजारिश है मेरी आपसे, जरूरी नहीं कि अगर कोई एक गलत हो तो आप सबको ही गलत समझे। अम्मी मेरी गलतियों की सजा आप पाकीज़ा को मत दीजिएगा। वो जो लड़का है ना, वो बहुत पाकीज़ा को बहुत सच में। मैं जरा मेहमानों को देती हूँ। एम्बुलेंस को बुलाओ कोई, एडमिनिस्ट्रेशन पे फोन करके बोलो उनको। जानती हूँ तुम हमजा, तुम्हारी वजह से ही मैंने पाकिस्तान का यूनिवर्सिटी जाना बंद किया है, क्योंकि माशरे के जिस हिस्से से उसका ताल्लुक है उसे आजादी और खोखली मोहब्बत के नाम पर अपने फैसले करने और माँ बाप की नाफरमानी करने की इजाजत नहीं है।